लगाई प्रतीक से आजपाल की क्लास, वो भी करण कुंद्रा की वजह से। आखिर क्यों, क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रिया बिग बॉस के घर में जैसे कि फराह खान ने पूरा शो होस्ट किया था, यानी कि सैटरडे का जो भी एपिसोड आया था वो फराह खान ने होस्ट किया था। वेल, फराह खान काफी समय से बिग बॉस को फॉलो कर रही हैं और हाल फिलहाल भी बिग बॉस के घर में आई थी, सभी लोगों से इंटरेक्शन किया था, साथ में उन लोगों को रैंकिंग भी दी थी। वेल, हाल फिलहाल तो होस्टिंग जब फराह खान ने की है तो काफी सारी चीजें जो है उन्होंने कंटेस्टेंट्स को क्लियर की है और उनके लिए जो भी ओपिनियंस बन रहे हैं वो सारे उन्हें बताए हैं। वेल, अब बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है प्रतीक सहजपाल को फराह खान ने। तो दरअसल यहाँ पर जो है प्रतीक सहजपाल को कहा है फराह खान ने कि हर चीज का जिम्मेदार जो है प्रतीक करण को बताते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। फराह खान कहती है कि इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि बाहर जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं प्रतीक का बस ना चले, नहीं तो कोविड केसेस बढ़ने का इल्जाम भी जो है वो करण कुंद्रा पर डाल दे। तो यहाँ पर फराह खान कहती हैं कि एक तो हर चीज में करण को टारगेट करना तुम बंद कर दो, क्योंकि हर चीज में तुम जो है करण को टारगेट करते हुए नजर आते हो। वेल, ये सारी चीजें फराह खान ने कही हैं प्रतीक सहजपाल को। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल सैटरडे का जो एपिसोड था वो फराह खान ने होस्ट किया, लेकिन संडे का जो एपिसोड आने वाला है उसमें आने वाले हैं भाईजान यानी कि सलमान खान। सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं संडे का एपिसोड। वेल, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।